बालाघाट से इंदौर जा रही वर्मा ट्रेवल्स की बस शुक्रवार तड़के छिंदवाड़ा के मैनीखापा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल हैं, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायलों को बस की खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। घायलों को छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्मा ट्रेवलर्स की स्लीपर एसी बस गुरुवार रात बालाघाट से इंदौर के लिए निकली थी। बस में लगभग 25 यात्री सवार थे। रास्ते में मैनीखापा के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर एम्बुलेंस के साथ पुलिस पहुंची, तब घायलों को बस की खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। लाभ घोघरी थाना पुलिस के मुताबिक बस में सवार दो महिला एक अन्य यात्री की मौत हुई है। दोनों महिलाएं बालाघाट की हैं। हादसे में घायल 22 यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।